चार पंक्तियां दे रहा हूं कि राम हृदय में मुस्काते हैं। स्वागत स्वागत है सबका। राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके बाबा। राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके। धर्म जाति मन भक्त से हटकर चाहे वो कितने तबके। राम हमारी सत्ता ममता करुणा के अद्भुत धाम है। मन से यदि निकले रावण तो सबके मन में राम। बाबा तो जल में थल में नव मंडल में राम दिखाई देते हैं। तन में तन में जड़ संगम में राम गवाही देते हैं। नील तीर और समीर में राम ही राम समाये हैं। ऐसी कोई धूल नहीं जहाँ राम ही छाए हैं। ऐसी कोई धूल नहीं जहाँ राम ही छाए हैं। लंबा गीत है लेकिन एक बंद में सब कुछ कहने का मैंने प्रयास किया है। आइए, मेरा बहुत अच्छा परिचय यहाँ पर दो दो तीन तीन बार हुआ। मैं भी अपना एक विजिटिंग कार्ड शाब्दिक रखता हूँ साहब, स्वागत है के इन मित्रों के बीच में। नाम से तो किशोर, नाम से तो किशोर रटू राधे नित्य भोर। श्रोता बंदे हो भी भोर कविता की दौर में। कोई कहे वंश मोर, कोई कहे कर रे बोर, कोई लेता है हिलोर तालियों के छोर में। तो जयपुर में निवास गोविंद का मैं हूँ खास, होता न कभी उदास दुख धन दौर में। और शारदे से हरिदास भरे ज्ञान का प्रकाश, सीखने की सदा प्यास बावले किशोर में। सीखने की सदा प्यास बावले। निश्चित रूप से आज की ये शाम हमने जो राष्ट्र के नाम किया, हर शाम हमारी राष्ट्र के नाम होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, ये शारदे हमें तो यही दान चाहिए। और देना है तो भर देना अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में न तीर न कमान। और लेखनी में शारदे में जान चाहिए, अशार की तलवार में भी शान चाहिए। और बसता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए। निश्चित रूप से हमारे मित्र लोग बहुत अच्छी आशीष देने करते आ रहे हैं। सुरेंद्र जी से मैं बहुत प्रेरित रहता हूँ भाई। जैसे भी बहुत खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से शुरुआत की और राष्ट्र व्यंग के माध्यम से खूबसूरत राजस्थानी गीत प्रस्तुत किया, मैं भी कई बार सोचता हूँ। और मुझे तो एक शेर याद आता है कि इश्क को आजादी बहारे जिश्क का सामान है। इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, और आजादी में मेरा इश्क भी कुर्बान है। क्या बात है कि गाइए तुम गीत बंधु। अक्सर मैं मेरे युवा मित्रों को आह्वान करता हूँ कि गाइए तुम गीत बंधु, मीत प्रीत प्राण हो। छेड़िए संगीत बंधु, सात सुर की तान हो। और देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्व। देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्व। दिल में जज्बा मात्र भू का, जय घोष हिंदुस्तान। जय घोष हिंदुस्तान। आइए साहब, आड़ोती की इस बहुत ही प्यारी धरा पे बुंदा की धरा से मैं आया हूँ। बहन शिवानी ने कहा कुछ राजस्थानी और कुछ जयपुर की बात आप करें, तो आपके बीच में दो तीन छंद आपके बीच में रहता हूँ। स्वागत स्वागत। राम की हमने बहुत बात की, थोड़ी सी कृष्ण की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुत्री जो है निश्चित रूप से जो संस्कार आपने दिए हैं, आने वाले समय में पूरे देश में एक व्यक्ति शिवाजी हमारे आ जाएगा। आज इतनी कम उम्र में लेकर देने की जो परंपरा इन्होंने शुरू की है, एक बार जोरदार तालियां देंगे। तो आओ साहब, मन में स्मरण रखो मगर गोविंद हरि को जयपुर रखो। सीधी सीधी पंक्तियां भागो कानो
संताने हम
आओ रे मेरी कर सकता है मन से बंदे तन मन धन करते हैं अर्पित भारत की जनता है हम आओ से क्यों कि जब हम इस धरती पर आए माने चोरी गाली थी जब हम इस धरती पर आए माने चोरी गाली थी गाती गाती हमें खिलाती माँ कितनी हंसाई अब जननी के हम गुनगाए मुस्काए माँ भारती वंदे मातरम कीर्तन माँ भारती वंदे मातरम कीर्तन माँ भारती वंदे मातरम नारे में ही अद्भुत अलग जगाई थी वंदे मातरम नारे में ही अद्भुत अलग जगाई थी अंग्रेजों को भगा देश से ये आजादी पाई थी केवल ये दो शब्द नहीं है ना साधारण गान है भगत सिंह और राजगुरु का अंतिम यही बयान है माता के चरणों की रज को माता के चरणों की रज को शर्माते पर रखते हम आओ दिल तक सबका बंदे बंदे मातरम तन मन धन करते हैं अर्पित भारत की संतान है हम आओ दिल तक सबका बंदे बंदे मातरम कई धर्मों वाले कहते हैं मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका धर्म ईमान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका धर्म ईमान है पर मजहब से बढ़कर भैया काष्ट धर्म सम्मान है वंदे मातरम ना सकता है किसी देवता के आगे वंदे मातरम के खिलाफ फिर क्यों उनने पत्ते डाले देश भक्त जो भी सच्चे थे उन फतवों को ठुकराया संवेद परों में सबने मिलकर वंदे मातरम गाया देश भक्ति की आग जलाने वाली ये चिंगारी है सारा भारत वंदे मातरम का कितना क्या बात है वंदे मातरम का कितना बिना बात का किया बखेड़ा बातों में उसके नागम आओ हिल मिलकर सब गाए वंदे वंदे मातरम तन मन धन करते हैं अर्पित भारत की संतान और मैं उनको तर्क देना चाहता हूँ इस देश की आजादी में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी उस समय किसी ने नहीं देखा कि मुस्लिम है ये हिंदू है ये सिख है ईसाई ये सब ने कन्ने से कन्ना मिलाकर आजादी की अलग जलाई और ये लड़ाई लड़ी और कुछ मैं उदाहरण इतिहास से लेकर आपके बीच में रखना चाहता हूँ आपको लगे कि कितनी तार्किक बात है तो अपना आशीर्वाद दीजिए और अपनी वाणी को यही अंतिम बंद के साथ है कुछ नाम लेना चाहता हूँ उन अमर शहीदों के बीच में से छांट कर जबर बहादुर आजादी के प्रथम युद्ध के नायक जबर बहादुर आजादी के प्रथम युद्ध के नायक सारे जहां से अच्छा के इकबाल सही के गायक थे गांधी के संसद हट गांधी ने गोरों से खानी थी मौलाना अबुल कलाम की बिल्कुल यही कहानी तो महमूद यूसुफ मेहरअली जंग में सबसे आगे थे सैफुद्दीन ने वंदे मातरम जमकर नारे दागे थे देश भक्त की आग जलाने वाली है चिंगारी है सारा भारत वंदे मातरम का कितना आभारी है भारत माता की वंदे बहुत बहुत आभार देशवासियों में एकता की है वो नव वर्ष आप सबको मुबारकबाद देता हुआ दो पंक्तियां बोलता हुआ अपनी वाणी को विरामूंगा कि देशवासियों में एकता की लय हो दुश्मनों में खोफ हो भय हो फिर से बने विश्व गुरु भारतीय तय हो और जननी जन्म भूमि मां भारती तेरी जय हो मां भारती तेरी जय हो।